तो इस साइड पे आप देख सकते हो कि टोटल जो है ना आमों के बागात हैं। ठीक है, आप उस साइड पे देख सकते हो। इस साइड पे आप लोगों को मालूम ही है कि मुल्तान और भावलपुर इस एरिया में टोटल जो है आमों के और खजूरों के बागात हैं, और जो है ना कहीं कहीं पे माल्टों के भी बागात हैं। अभी हम कोशिश करेंगे कि अगर कहीं से हमें माल्टों का बाग नजर आता है, क्योंकि अभी आमों का सीजन तो खत्म हो चुका है, तो कहीं पे अगर माल्टों का बाग नजर आता है तो हम वहां से ताजे फ्रेश माल्टे भी लेंगे। हाँ जी, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। गूगल मैप वाली आंटी बैक सीट पे बैठी हुई है, जिसको फॉलो अप करते हुए जो है हम ये सारा इलाका घूम फिर रहे हैं। तो चलिए, अभी हम जो है सबसे पहले चलते हैं मकबरा बीबी झुंगी, जो कि बहुत ही मशहूर और फेमस मकबरा है, और इंटरनेट पे भी इसकी जो पिक्चर्स हैं, वीडियोज हैं, काफी हाई लेवल पे वायरल हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर तो नेक्स्ट वन जो है वो डेरा नवाब साहब में, वहाँ कौन सा पैलेस, तो फिर अभी तो फिर चलते हैं डेरा नवाब साहब। ये देखें जी, ऊपर कितने ज़्यादा कबूतर बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये है जी टॉम बीबी जूंदी का। और इसी तरह से ये जो है ना, यहाँ पे तीन तीन मकबरे हैं, एक ये वाला है, एक वो है, और एक वो वाला है। अभी हम आगे करीब भी चल के देखते हैं। इसमें जो है ना, यहाँ पे जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है, बीबी जूंदी कॉम्प्लेक्स तीन मकबरों पर मुश्तमिल है, यानी कि मकबरा बीबी जूंदी है, मकबरा बहावल हलीम है, और मकबरा उस्ताद नूरिया है। तो ये जो है ना, यहाँ पे ये तीन मकबरे हैं। तो चलो, ये टॉम्स बने हुए, और यहाँ पे यार कब्रिस्तान देखो, जितनी भी यहाँ पे सारी कब्रें, ये कच्ची कब्रें, ये देखो अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे तो ये देखो, ये जितनी भी कब्रिस्तान है, ये कब्रें सारी कच्ची कब्रें। कबूतर देखो, कबूतर, कबूतरों की रेस चेक करो आप। तो आप जो है इन टॉम्स का आर्ट वर्क चेक करो, कितना जबरदस्त और कितना प्यारा है, कितनी प्यारी जो है इसके अंदर कलर ग्रेडिंग की गई है। और एक ये इनसाइड से है, आप इसको इनसाइड से भी देख सकते हो कैसा है। और तीनों जो है ना, तीनों टूटे हुए हैं, मतलब इनकी एक साइड है और उसकी बैक साइड की दो वॉल्स इन्होंने ब्रेकअप की हुई है। जैसा कि देख सकते हो, इसकी एक वो वॉल है और एक ये वॉल है, लेकिन जो ईस्ट साइड की वॉल्स है ना, वो नहीं है। तो चलो, और यहाँ पे भी ये कब्रिस्तान देखो, यहाँ पे जितनी कब्रें मैंने आपको दिखाई हैं, टोटल कब्रिस्तान में कब्रें कच्ची हैं, मट्टी ही हैं, कोई भी कब्र पक्की नहीं है। इसमें वो देखो, ये जो आपको पीस नजर आ रहा है, जहाँ पे मेरी फिंगर है, ये लकड़ी का भी वर्क हुआ है इसमें। ये है, वो है लकड़ी, ये दरमियान में जो कुछ आपको ये बॉक्स से नजर आ रहे हैं ना, ये इस टाइप के चकोर से, ये वुड वर्क भी इसके अंदर हुआ हुआ है। तो ये देखो, यहाँ पे बहुत ही प्यारा जो है इसका आर्ट कल्चर जो है, बहुत ही मजे का बना हुआ है डिजाइन। ये जो मकबरा है, पहले वाला बड़ा मकबरा, ये उसकी जो है बैक साइड है, ये आप उसकी बैक साइड भी देख सकते हो ये कैसी है। ठीक है, बस बात हुई है कि इस साइड से इन्होंने जो बैक साइड्स हैं, इसकी वॉल्स को तोड़ा गया है, या पहले से डिजाइन ही ऐसा था, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या कहा जा सकता है। बहरहाल आप लोग देख लो, क्यों मास्टर जी, क्या लगता है ये दीवारों को तोड़ा गया है? हाँ, तो ये दीवारों की आप चौड़ाई देखो, कितनी बड़ी चौड़ाई है, दीवारों की आप चौड़ाई देखें जी, कितनी मोटी इसकी चौड़ाई है, मतलब दीवार की जो चौड़ाई है, राउंड अबाउट मुझे 10 फीट तो लग रही है। क्यों, ये देखें जी।
तो जी इस टाइम हम सादिक घर पैलेस में आ चुके हैं। ये लिफ्ट है। अच्छा, ये उस पुराने जमाने की लिफ्ट है। ये तय खाने के जाने का रास्ता है। अच्छा, इस साइड पे तय खाना है। अच्छा, जाना है नीचे। वो आते हैं ये बिल। ओए होए चमकादड़े, वो देखो चमकादड़े। ओए होए 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 चमकादड़े, इंतहा की चमकादड़े यहाँ पे। तो ये चेक करो हाइट, गुंबद जो ऊपर मजार इसका पैलेस का गुंबद वो है, हाइट देखो